रज़ान भाई वालेकुम वालेकाम मैं पापड़ बिज़नेस सलान्टी बिजनेस के सिलसिले में आपसे मशवरे के लिए हाजिर हुआ हूँ तो पूछना यह था कि पापड़ और ये सलान्टी वाला बिजनेस अगर मानसरा, इब्टाबाद के इलाक़े में किया जाए तो कैसा रहेगा जी एक तो ये बात दूसरा ये है कि इसको शुरू करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और तीसरा ये है कि इसमें मुश्किल परेशानियाँ नुकसान क्या क्या हो <coughs> बिल्कुल ठीक सबसे पहले तो आपका जो सवाल था जी कैसा रहेगा उसमें जिस तरह से मैं पहले आपको बता रहा था कि बिज़नेस के कैटेगरीज होती हैं जी जी फूड आइटम ज़्यादातर यानी एटी परसेंट फूड आइटम खुश्क फूड आइटम के अलावा ये होते हैं वनडे प्रोडक्ट यानी एक दिन में ही आपको इनको खाना पीना होता है अगर एक दिन आप इनको ना खाएँ दूसरे दिन अगर इनको रख दे तो ये खराब हो जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बिजनेस नहीं करना चाहिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि ये जो वनडे प्रोडक्ट जितने भी हैं okay. इन सब में प्रॉफिट की रेशो हंड्रेड परसेंट यानी सबसे ज्यादा होती है अब का ही है अभी सिर्फ पाँच वाला पैकेट क्योंकि अभी मार्केट में चल रहा है उस वजह से अभी इसको नहीं करना चाहिए लेकिन जैसे ही अभी महीने डेढ़ के अंदर अंदर सारी कंपनियाँ दस रुपये वाला पापड़ शुरू कर देंगी तो उसके बाद ये इसमें प्रॉफिट फिफ्टी परसेंट आ जाएगा यानी फिफ्टी परसेंट आपको प्रॉफिट होगा फिफ्टी परसेंट आपका ख़र्चा होगा तो उस हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है तो उस हवाले से इसको कर लेना चाहिए यानी अभी से आप तैयारियाँ शुरू करेंगे तो महीना डेढ़ में आप मुकम्मल सारा सेटर लगा चुके होंगे तब तक ये दस वाला मैंने पाँच वाला पैकेट ख़त्म हो चुका होगा दस वाला ही आएगा तो आप भी दस वाले पैकेट की ही तैयारी करेंगे तो फिफ्टी परसेंट मार्जन है आप इसको कर लेंगे इसी तरीके से बाकी जो फूड आइटम होते हैं अब जो आपने देखा होटल होटल में अगर सब्ज़ी सिर्फ पच्चीस रुपये की ले कर वो शायद एक सौ पच्चीस रुपये की बेची जा रही होती है बिकती है लेकिन वो उसी सूरत में आपको प्रॉफिट मिलता है अगर वो बिक जाए अगर वो ना बिके तो सारे का सारा नुकसान यानी आपने पकाया है बारिश आ गई कस्टमर नहीं पहुँच सका सारा नुकसान फूड आइटम में ये मसाइल एक तो हैं दूसरा ये है कि इसको करने के हवाले से कि सलेंटी का बिज़नेस उस आदमी को करना चाहिए जिसके पास भरपूर टीम हो क्योंकि सलंटी के बिज़नेस में सिर्फ तलाई करने के लिए पापड़ को तलाई करने के लिए ही कम उसे चार आदमी चाहिए एक आदमी चाहिए कढ़ाई पे, जो डालता रहे उसको तलाई करेगा दूसरा आदमी चाहिए जो ड्रायर पर खड़ा होगा जो ड्रायर को कंट्रोल करेगा तीसरा आदमी चाहिए जो वहाँ पर मिसाला लगा रहा होगा अच्छा। और चौथा आदमी चाहिए जो मटेरियल यानी कि पापड़ को भर भर के बड़े शापर के अंदर डाल रहा होगा अच्छा। क्योंकि उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए अगर छोड़ दिया तो वो सेम पकड़ जाएगा अच्छा। पापड़ में नमी आ जाएगी खस्ता नहीं रहेगा कंप्लेन आएगी यानी चार बंदों की ये टीम एक्टिव टीम चाहिए हर टाइम ये तो वो टीम है जो सिर्फ तलाई करेगी उसमें काम करेगी फैक्ट्री में काम करेगी उसके बाद सेल वाली टीम चाहिए आपने माल बना लिया माल बना के आपने अभी मार्केट में देना है मार्केट में देने के लिए एक टीम चाहिए प्रॉपर यानी अब ये छोटा एक आइटम है पाँच रुपये वाली प्रोडक्ट है इसकी जो बचत होती है वो पूरे अट्ठारह पीस के एक पैकेट पर है ठीक है तो अब यूँ कह लेंगे इसकी जितना ज़्यादा सेल होगी उतना आप ज़्यादा कमा सकेंगे मैंने फैक्ट्री लगाई मेरे ये था कि जब मैंने काम किया तो तीन तीन गाड़ियाँ एक दिन में मेरी जाती थी अच्छा दो पैकिंग मशीन थी तो वो एक दिन में तीन गाड़ियों तक का काम होता था वो तीन गाड़ियाँ मैं सेल कर लेता था मेरा टारगेट पूरा था Achha. तो टारगेट पूरा करना इसमें ज़रूरी होता है Achha. अच्छा ये तो मसाइल आ गए इसमें इस हवाले से कि जी बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दूसरा इसमें मैं पहले बात कर लूँगा इस पर कि इसमें मसाइल क्या क्या है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस करने के बाद स्टार्ट कर लेने के बाद बहुत से लोगों ने इसको छोड़ा है ठीक है और छोड़ने की वजह सिर्फ ये है कि उसको इलम नहीं है कि इसमें मसायल क्या क्या आएंगे अगर वो मसाइल उनको पता हो तो शायद या तो वो काम करें ही ना या फिर उसकी भरपूर तरीके से तैयारी करके काम करें मसाइल इसमें बहुत सारे आते हैं एक तो मसाइल ये है कि सबसे बड़ा शुरू में जो मसला आएगा वो ये है कि मार्केट में क्योंकि जो पहले चल रहे हैं उनके बेहतरीन किस्म के मिसालें सेंटी तो वही है मतलब बनी बनाई कच्ची सलंटी वही सेम प्रोसेस से बनती है सबकी कॉलसन के अलावा तो वो सलंटी तो आ गई कच्ची सेंटी अब सलेंटी की तलाई में मसला यानी तलाई करते हुए एक अनाड़ी आदमी अगर तलाई करेगा तो या तो कच्ची रख लेगा या बहुत ज़्यादा पका देगा यानी वो खस्ता पर उस तरह का नहीं रहता क्वालिटी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती शुरू में इस तरह के मसाइल अब उसके लिए लाजमी तौर पे उसको चाहिए ये था कि वो किसी ना किसी फैक्ट्री में काम करता कोई महीना डेढ़ में तलाई सीख लेता या आप शुरू में कारीगर ही एक ऐसा रखते जिसने पहले काम किया हुआ हो और वो तलाई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर सके। दूसरा मसला ये होता है कि आपकी जो मिसाला लगाना है वो मिसाला लगाते हुए लोगों को नहीं एक्सपीरियंस होता ठीक है फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जी मार्केट में जाते हैं अब मिसा मिलता है डेढ़ सौ रुपए किलो से लेके एक हज़ार रुपये किलो तक के मसाले मुख्तार वो डेढ़ सौ रुपए वाले का उठा के ले आते हैं यार सस्ता मिसा ये है वो टेस्ट करते हैं उनको लगता है ये अच्छा मिसा है उठा के ले आते हैं क्योंकि मिसाले ने अपना टेस्ट तो देना होता है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है अच्छे और उसमें पहचान पता नहीं है। तो वो जैसा भी मिलता है उठा के ले आते हैं सस्ता करके अच्छा। जब वो लगाते हैं उसका टेस्ट उसमें नहीं आता यानी वो टेस्ट आता भी है तो किसी सब्जी का आ रहा होता है किसी और चीज़ का आ रहा होता है वो अच्छा टेस्ट नहीं होता मार्केट में बहुत ज़बरदस्त चटपटे किस्म के मिसाले पड़े हुए हैं तो आप जब लेके जाते तो दुकानदार खुद अगर टेस्ट करता है उसको चेक करता है खा के तो वो खुद ही रिजेक्ट कर देता है परेशानी आती है फिर वो समझने के बाद मेरे पास बहुत सी कॉले आती है कि रजवान भाई को मिसाले की रेसिपी मिसाले की रेसिपी को मिसाला बता दें उनको ये सारी चीज़ें गाइड करने की कोशिश करते हैं तो मिसाले के लिए ये है कि आपको सबसे पहले फिर उसके बाद मिसाले का लाजमी तौर पर बताना चाहिए अब मिसाले के लिए फैसलाबाद की पूरी मार्केट भरी पड़ी है समुद्री रोड पर काफ़ी सारी मिसाले की दुकानें हैं ये अजीज होटल के साथ वाली गली में वहां पे मिसालों की आपको कम बेश को सौ से ज्यादा तरह के मिसाले मिलते हैं अच्छा। फैक्ट्री में चले जाए वो आपको सौ से ज्यादा तरह के मिसाले देंगे फिर वो जो बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं उस तरह के यानी कि वही मिसाले समझ लें हैं वो भी उनके पास तैयार शुदा होते हैं अच्छा। उन मिसालों के नाम है जैसे आलू चाट का मिसाला है तो उन फैक्ट्रियों में आलू चाट के नाम से मिसाला मिलेगा अच्छा तो आप वो मिसाले साथ लेके आए थोड़े थोड़े लेके आए उनको टेस्ट करें उसके बाद अब आपको देखना ये है कि मेरी मार्केट में किस तरह का मिसाला ज़्यादा चलता है उसी मिसाले को आप यूज़ करके अपने पापड़ को कोल पापड़ पे लगा के उसको चला दें ठीक फिर मिसा लगाते हुए कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिसमें कितना लगाना है क्या करना है अब मिसाला लगना चाहिए कम से कम सवा दो किलो लगता है एक बोरी पे चालीस किलो की एक बोरी पर और ज़्यादा से ज़्यादा चार किलो भी लगता है अच्छा अब ये भी मार्केट का रुझान देखना होता है कि मार्केट में कितना टेस्ट है मतलब मिसा कितना तेज रखा हुआ है तो उसके हिसाब से ही आपको मेंटेन करना होता है कि मैं भी अगर उसके हिसाब से लेके आऊंगा जो चीज़ मार्केट में चल रही है तो मेरी चलेगी अगर मैंने कम किया उस तरह उस लेवल में मैंने मिसाला नहीं डाला तो मसला ख़राब हो जाएगा ये होता है यानी इस तरीके से आपका मिसाला होगा उसके बाद पैकिंग करके आपने बेच दी मार्केट में आप दे तो आए दुकानदार को आपने दे दिया अब अगला सबसे बड़ा मसला ये है कि दुकानदार इस शर्त पे लेता है कि अगर ये माल नहीं बिकता या ख़राब होता है या इसकी हवा निकल जाती है तो यह माल आप वापस उठाओगे और आपको भी मजबूरन हाँ कह हाँ ही करनी पड़ती है कि मैं उठाऊँगा ठीक है अब अगर आप दे के आयो दुकानदार ने माल को उठा के पता नहीं कौन से कोने में रखा है ठीक है उठा के उसी के वो बंडल पूरा था उसी बंडल के ऊपर और माल भी उठा के रख दिया कर दिया अब उस दुकानदार ने ये नहीं देखना कि मैंने उसको रखा किस तरीके से है। अब वो तो एक नाजुक चीज़ है उसके अंदर सिर्फ हवा की वजह से वो थोड़ा फुला हुआ है जी जी। अगर उसके ऊपर वजनी चीज़ आ जाएगी तो लाजमी सी बात है हवा किसी न किसी तरीके से निकल जाएगी जब वो हवा निकलेगी उसने ये अगली बार जब आप जाओगे देने के लिए अब उसको इस बात पे नहीं आएगा कि यार ये कसूर मेरा है कि मैंने इसको संभाला नहीं वो कह यार इसकी तो हवा निकल के ले जाओ उठा के आपको उठाना पड़ेगा ठीक है जी थी। इसी तरीके से अगर वहां पे आपका पापड़ क्योंकि अभी नया है कुछ दिन नहीं बिका तो भी आपको वापस उठाना पड़ेगा फिर भी वापस वो आपको दे देगा कि यार ये नहीं बिक रहा उठा के ले जाओ इसमें सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि आपको माल उठाना पड़ता है वापस आप जो प्रॉफिट रेशियो निकालते हो वो वापस उठाने के हिसाब से नहीं निकालते आप प्रॉफ़िट रेशियो निकालते हो कि मेरा माल ये इतने का बंडल तैयार हुआ इतने का मैं बेचूंगा इतना प्रॉफिट आ गया सेल पे सेल के हिसाब से आप करते हो अच्छा ये तो छोटे दुकानदारों का इसी तरीके से पापड़ का काम ऐसा है मतलब बहुत जल्द ये होल सेलर सेलमैन और डिस्ट्रीब्यूटर ये बहुत जल्द आपको टच कर लेते हैं ठीक है बच्चों की आइटम है हर उसमें इस्तेमाल होती है तो जितना करीब से मिले दुकानदार को डिस्ट्रीब्यूटर को होल को फ़ायदा होता है यानी एक गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है चार बोरे आ जाते हैं पांच बोरे दस बोरे आ जाएंगे ठीक है अब दस बोरे पे जो उनको किराया पड़ता है ना अगर एक आदमी को पिंडी में पापड़ मंगवाना हो और मुल्तान से मंगवाना पड़ जाए तो गाड़ी का किराया चालीस हजार रुपए है चालीस नहीं तो होगा तो कम से कम तीस हजार जरूर होगा जो मुल्तान से पिंडी, तक, पिंडी। तक गाड़ी सिर्फ किराया लेगी पापड़ का खर्चा अलग है बिल्कुल अब अगर यहीं पर फैक्ट्री लग जाए पिंडी में तो फौरन से ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर रहा करेंगे अगर वो चीज आपको टेस्ट आप उनको दे पाते हैं क्वालिटी ठीक दे हैं फौरन से रहा करेंगे उनको पता है कि हमारा फी गाड़ी तीस हजार पे बचता है ठीक है कोई भी कारोबारी है वो परचेजिंग पे बचत को देखता है तो फौरन से आपसे राबता करते हैं ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरी अपनी फैक्ट्री थी इसी तरीके से हालांकि गाँव में बैठा था मेरे इर्द गिर्द के मतलब अब्दुलकीम खाने वाल मियाँ चन्नू बिहाड़ी सब लोगों ने फ़ौर से राबते किए और सब जगह माल जाना शुरू हो गया था अच्छा। तो अब होता क्या है कि वो गाड़ी की गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं ठीक शर्त उनकी भी यही है पैसे कोई नहीं खाता पैसे मिल जाते हैं लेकिन शर्त उनकी भी यही है कि माल जो आपका ख़राब होगा या जो माल आपका नहीं बिकेगा या हवा निकल जाएगी ये होगा वो वो आप वापस उठाएंगे वो आपको वापस उठाना पड़ता है मेरे साथ तो ऐसे भी हुआ मेरे साथ ही नहीं बहुत से लोगों के साथ सबके साथ ऐसे ही है ऐसा भी हुआ कि अगर वो कह लें कि पाँच गाड़ी गई है अच्छा महीने में दो महीने में पाँच गाड़ियाँ गई हैं तो उनमें से एक गाड़ी भर के वापस भी आ रही होती थी अच्छा। क्यों उन्होंने इसको एहतियात से नहीं रखना होता तो ये मसाइल आते हैं अगर वापस आया ना जो वो सारे का सारा नुकसान में जाता है पापड़ ऐसी चीज़ है अगर वो वापस आ गया तो ऐसा नहीं है कि उसको हम री यूज़ कर लेंगे हाँ री यूज़ नहीं हो सकता ठीक है रिसाइकल नहीं कर सकते हम उसको कुछ भी नहीं वो बेकार है ज़ाय जाएगा इवन के उसका जो शापर है वो तो है ही जाया अगर उसके अंदर का पापड़ है उसको हम देख के निकाल के अगर देख भी लेंगे उसकी कंडीशन अभी ठीक है शायद पापड़ यूज़ हो भी जाए लेकिन शापर तो बिल्कुल बेकार है पैकिंग वो दोबारा पैक नहीं हो सकता उसका मसला है। तो यानी कि इस किस्म के नुकसान इसके अंदर है इसको देखते हुए हमें चलना होता है अब अगला तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जी मतलब सेटअप लगेगा किस तरीके से वो आसान है मुश्किल नहीं है इसकी सबसे पहले तो आपको यानी ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है अपने नाम की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है